हेलो फ्रेंड्स सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन देखिए आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मैसेज थे कि सर अब रियन एल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत आती थी क्योंकि बीएससी फिजिक्स में मैंने आपको फाइनल ईयर में फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जिसमें लगभग लगभग सेवेंटी टू एट्टी परसेंट आपके क्वेश्चन से आए थे मैंने चेक किए थे ठीक है तो ऐसे ही अब मैं रियन एलेस का आपको इसमें आपको पूरी नाइन्टी के साथ कहता सा हूँ ठीक है जो मैं करा रहा हूँ उतना आप कर लीजिए ठीक है और बिल्कुल जो मैं करा रहा हूँ उसी आधार पर क्वेश्चन आएंगे वही थ्योरम्स आएंगी बिल्कुल टेंशन मत लो ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को जरूर शेयर कर देना ठीक है नेक्स्ट चैप्टर तभी लेकर आऊंगा जब आप अच्छे लाइक्स और कमेंट्स पर दोगे तो पहला जो पार्ट है इस वीडियो का वो हमारा जो क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट वो हम करेंगे सिक्वेंस वाले चैप्टर से तो आज हम सीक्वेंसेस वाले चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है ना टोटल क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट हैं आए हुए हैं और थियोरम्स हैं टोटल क्वेश्चंस और उनका प्लस सॉल्व देखेंगे दोनों चीज़ें मैं आपको कराऊंगा और लगभग कल या एक या दो दिन में आप पूरी फाइनल बुक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे तो स्टार्ट करते हैं अभी पार्ट फर्स्ट वीडियो को लेके पार्ट सेकंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी पार्ट सेकंड की भी पार्ट थर्ड की आपको मिल दी जाएंगी और प्ले में आपको बना दूंगा बाकी चैप्टर ही मैंने आपको पूरा ही कराया है जिसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो ठीक है आप मेरे साथ हैं तो आपको पास और अच्छे नंबरों से मैं आपको कराऊँगा तो चलिए शुरू करते हैं अब चाहो तो आप क्वेश्चन इसको देख लो अगर आपने कर लिया वरना नहीं किया तो इसको देख लो थ्योरम आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम में अगर आपने अभी तक नहीं की तो अभी कराते हैं सब लोग टेंशन मत लो ई सिकस कन्वर्स इफ एंड ओनली इफ ए इट इज ए क्वॉचि सिक्वेंस ठीक है ये ऐसे ही भी आ सकता है इस सीक्वेंस कन्वर्स टू ए क्वॉची सिक्वेंस देखो फर्स्ट पोजिशन होती है द नेसेसरी कंडीशन तो हम इसमें देखेंगे कि द नेसेसरी कंडीशन इस पॉइंट की हमारी क्या मिलती है लेट एस एन बी ए कन्वर्जेंट सिक्वेंस बिच कन्वर्स टू से एल

एक वैल्यू मानेंगे एस एन माइनस एल जो कि हमारा क्या है पॉजिटिव नंबर बाई टू ई ई टू है इन पार्टिकल ठीक है इन पार्टीशन ऐसे माइनस एल जो कि थ्री बाई टू हमने इसकी दो पार्टीशन में डिवाइडेशन कर दिया एस एन माइनस एल में जो कि ई वाई टू है इन पार्टीशन ऐसे माइनस एल जो कि ई वाई टू है ठीक है ये हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है नाव फिर हम निकालते हैं इसका एस एन माइनस एम एस एल ई वाई नंडीशन पड़ रहे हैं हम निकालते हैं एस एन माइनस एस एम बराबर तो हो जाएगा एस एन माइनस एल माइनस एस एम माइनस एल ठीक है मानते इस वैल्यू से वैल्यू सब बड़ी है तो एस एन माइनस एल प्लस एस ए माइनस एल तो हमने अगर बड़ी माना है इसको तो हम तो तो प्लस यहाँ पर लगा देंगे तो इसकी वैल्यू ई वाई टू है इसकी वैल्यू ई वाई टू दोनों की कितनी ई वाई टू है तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ई e निकल का आ जाएगा जो कि एन बड़ा हो जाएगा एम से अगर हमने एन वैल्यू इसको माना है तो ई निकल का आ गया पॉजिटिव इंटीजर जीरो से बड़ा है तो हमारा क्या हो जाएगा एन बड़ा हो जाएगा तो हमने यहां पर इसकी नेसेसरी कंडीशन यहां पे पढ़ ली दैट इज कोची सोइंगस तो यहां पर हमने एस एन कोची सिक्वेंस में प्रूव कर लिया और पहले आपको बता दू ना ये आपका लॉन्ग में आता है तो इसको करना है करना है दस नंबर में आता है आपका फिर सेकेंड द दफीसिएट कंडीशन देखो क्या होती है लेट एस एन बी ए कॉचिंस देन एस एन इज ए बाउंडेड बाई थ्योरम एस हैज ए लिमिट पॉइंट से एल हम इसको क्या करेंगे इसको हम एक कोची सिक्वेंस मान लेंगे इसको बाउंडेड मान लेंगे बाउंडेड बिलो बाउंडेड एव मैन आपको पढ़ा रखे हैं पहले ही ठीक है उसमें कुछ नहीं होता आपको एक लिमिटेशन वैल्यू दे रखी होती है तो यहीं से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा लिमिट पॉइंट से एल बी सेल टू सो दैट एस एन जो आपको एल के बराबर और एल हमारा क्या है कोई भी लिमिट पॉइंट है ठीक है हम मानते हैं कोई भी इंटीजर बढ़ा है जीरो से बी गिविन सिंस एस एन या सिक्वेंस इसको हम सिक्वेंस बोलते हैं ठीक है सिंस सिक्वेंस एस एन इज ए कौची सिक्वेंस देअर एग्जिस्ट एम एलिमेंट ऑफ एन हम कोई भी इसको सिक्वेंस मान लेते हैं जो कि एम हमारा और एन चो नंबर में क्या एग्जिस्ट कर रहा है सच देट एस एन माइनस एस एम क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा इस वैल्यू से क्योंकि एस एन माइनस एस एम की वैल्यू कितनी तो ई वाई टू होती है लेकिन हंस के हम ई वाई टू लिख रहे हैं हम मान सकते हैं कि ये छोटा हो जाएगा एक ये कंडीशन ऐसे लेके चल रहे हैं ये वैल्यू हमारी छोटी हो जाएगी सिंस एल इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस एन हैंस देयर एग्जिट पॉजिटिव इंटीजर के जो कि हम बड़ा है यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं कोई भी जो कि के है हमारा और जो एम से बड़ा है इस कंडीशन को छोड़ के इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी तो सच देट ये हमारी क्या नई कंडीशन बनेगी एस के माइनस एल ठीक है जो कि छोटा जाएगा इस वैल्यू से तो हमें दो कंडीशन यहाँ पे मान ली एक ये कंडीशन एक ये कंडीशन चाहो तो इसको फर्स्ट इक्वेशन इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो ठीक है ठीक है तो एस एन माइनस एल बराबर क्या हो जाएगा एस एन माइनस एस एम प्लस एस एम माइनस एस के प्लस एस के माइनस एस एल इसको हम बड़ा मानेंगे तो एल हमारा कोई हमने पॉजिटिव इंटीजर माना है तो एल भरा क्या है एम भी है के वी है एल भी है तो एस एन माइनस एस एम प्लस इनको हमने अलग अलग रख दिया इसको मोड से निकाल के अलग अलग में लिख दिया इसके वैल्यू यू वाई थ्री है इसके वैल्यू यू वाई थ्री मानी है इसकी वैल्यू वाई थ्री मानिए फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ एन इसको आप सॉल्व करोगे तो ओनली ई निकल का आएगा क्योंकि थ्री ई अपन थ्री आएगा थ्री से थ्री कट जाएगा ओनली ई बचेगा तो कह सकते हैं एस एन माइनस एल फॉर ऑल ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है फॉर ऑल एन वैल्यू ऑफ एम जिसकी एन जो हमारा किसने बड़ा है एम वैल्यू से और एम किसके बराबर मानी थे कोई भी हमारी वैल्यू हो सकती है जो कि जीरो से बड़ी है तो कह सकते हैं ऐसा कन्वर्स टू एल जब हमारा पता चल गया कि एस एन माइनस एल भी बड़ा इससे है सॉरी छोटा है इससे और ऐसे माइनस एल भी है तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऐस एन हमारा क्या है सीखें जो कन्वर्स टू एल ठीक है इसको आपको करना है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन सो so देट द सीक्वेंस ये हमारा शॉर्ट में भी आता है लॉन्ग so in में आपका पूछा गया है सो देट द सीक्वेंस एफ एन वेर एफ एन एक्स बराबर एक्स वन वन प्लस एन एक्सर कन्वर्स यूनिफॉर्मली ऑफ आर ये कहना मैं कन्वर्जेंट है ऑफ रियल नंबर रियल नंबर आपका जीरो वन टू थ्री ठीक है आपको लेके आना है वैल्यू के लिए कैसे मतलब इनडिटर्मिनट फॉर्म नहीं लेके आनी है मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या जीरो अपॉन जीरो नहीं लेके आना है कैसे देखो लिमिट टू अगर मैं इसमें एन की लिमिट इनिटी पुट करता हूं तो मैं जीरो प्राप्त होता है चूंकि एलिमेंट ऑफ आर का ठीक है ये तो हमने यहाँ पे मान लिया बट ये यूनिफॉर्मली नहीं है हमें यूनिफॉर्मली प्रूव करना है समझ गए तो कैसे करेंगे ओके लेट बाई बराबर ये टेस्ट होता है आपका ये हमारे एक टेस्ट होता है लेट बाई बराबर एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स एफ़ एन एक्स का मतलब समझ रहे कौन सा यो वैल्यू है दे रखी हमारे एफ एन एक्स है और एफ एक्स हम उसको मानेंगे जहाँ हम एन नहीं होगा हमारे पास जैसे हमने इसको कितना मान लिया एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू में एक्स अपॉइन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर मान ली फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ वाई बिहेव हमें क्या करना है मिनिमम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो आपको पता है मिनिमम मैक्सिमम कहाँ से निकालते हैं उसका डिफ्रेंशिएट करके मतलब दो बार डिफरेंसिएशन से डी वाई अपॉन्ट डी एक्स और डी स्क्वायर अपॉइट डी एक्स स्क्वायर से तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ वाई वी निकालोगे तो आपको पता है कैसे होता है ई पर पहुंच जाएगी इसका फॉर्मूला आपने पढ़ हो यहाँ देखो फर्स्ट एस आई सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन ये वहां नीचे वाला सेकेंड पद होता है ये फर्स्ट पद होता है ऊपर नीचे सेकेंड पद होता है माइनस सेकेंड एस आई फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन अपॉन नीचे आपको दे रखी है कौन सी वैल्यू सेकेंड वाली इसका होल स्क्वायर हो जाता है अब जैसे वन प्लस एन एक्स स्क्वायर हमने सेम रखा जब एक्स का डिफ्रेंशिएट किया तो वन बन, बन गया माइनस ठीक है हमने एस उसका किया वन प्लस एन एक्स स्क्वायर का तो एन एक्स स्क्वायर वन का जीरो हो जाएगा ये आगे आ जाएगा तो बन जाएगा टू एन एक्स कितना हो जाएगा टू एन एक्स और एक एक्स हमारा ऑलरेडी कौन सा वाला कौन सा एन एक्स ये ऊपर वाला तो बन टू एन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर जीरो में लिखना है ठीक है सेम आप निकालोगे देखो पहले इसको ही देखते हैं तो बन माइनस एनएक्सक्वायर अपन वन प्लस एन एक्स हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है तो वन माइनस देखो आगे चाहो तो निकाल सकते हो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेकिन हमें यहीं से पता चल गया हमारी वैल्यू क्या है प्लस माइनस रूड एन आ रही है एक्स की तो वन माइनस एन एक्सक्ट के बराबर जीरो एन एक्स स्क्वायर बराबर वन तो यहाँ से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन अपॉन रूड एन मिल गई इसी वैल्यू को उठा के हम बाई मैक्स निकालेंगे जो हम मेन इक्वेशन है ये वाली ये सपोर्ट कर देंगे तो देखो एक्स पॉन रूड एन प्लस वन पॉन एन एन तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलगी वन पॉइंट टू रूड एन कितनी मिलेगी वन पॉइंट टू रूडो एन तो आल्सो वन पॉइंट टू रूडो एन माइनस का मॉड बाई बराबर वन पॉइंट टू रूडो एन माइनस एक्स अपन प्लस एन एक्स हम से क्या कर हैं माइनस कर देते हैं क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स तो देखो तो लिमिट इसमें कर देंगे डायरेक्टली अप्लाई तो देखो यहाँ पर एन लगाएंगे यहाँ भी एन के रिपीट अप्लाई करेंगे नॉर्मल सी बात हमारा ओवरऑल जीरो बन जाएगा ये कितना बन जाएगा जीरो बन जाएगा फंक्शन टोटल फंक्शन कितना बन जाएगा जीरो बन जाएगा ठीक है आप बोलोगे सर इसको हम एक्स सेवन बन लगेंगे तो कैसे बन जाएगा भाई आप एक्स सेवन बन करोगे फिर भी एक तो एक्स की लिमिट अप्लाई करोगे तो हैंड्स बाई एम एन टेस्ट इसको बोलते हैं एम एन टेस्ट द सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इस पर लगा लो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग में आपको मिलेगा और दस परसेंट चांस शॉर्ट में मिल जाए बी आर एम टेस्ट या इस तरीके से पूछा सकता है ए सीरीज एन बराबर टू इनफिनिटी यू एन एक्स फॉर फंक्शन बिल कन्वर्जॉर्मलीस इफ देयर एग्जिस्ट ए कन्वर्जेंट सीरीज एन बराबरिटी एम एन ऑफ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सच देट यू एन एक्स की जो वैल्यू है वो छोटी है बराबर एम एन की फॉर ऑल एन एंड ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ एन देखो समझते हैं इसको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना सॉल्यूशन है प्रूफ देखो इसके सिंस इसकी वैल्यू एम हम क्या करेंगे देखो बहुत छोटा है और ये बहुत अच्छे नंबर में आता है सिंस एम इज़ ए कन्वर्जेंट देन फॉर ए गिविन ये हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर जो कि बड़ा है जीरो से वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव इंटीजियर एम सज देट चूंकि एन है हमारा बड़ा हो सकता है एम की या बड़ा हो सकता है तो हमने कोई भी एक इंटीजर जो मान लिया इसको समीशन का मतलब एम एन का मतलब इसको प्लस करना है समीस एन एम एन गंद प्लस करना है तो प्रस प्रस एम एन प्लस वन प्लस एम एन प्लस टू डेड डे एम डे एन प्लस थ्री का हमने कर दिया जो कि छोटा है एक वैल्यू से एक क्वेश्चन फर्स्ट हमने इसको मान लिया पी रॉर हमारा यहाँ पे ये जो पी है यहाँ पे हमारा वन टू थ्री है आल्सो एक दूसरी वैल्यू हम मानेंगे यू एन एक्स जो कि बराबर या छोटी होगी किससे एम एन से इसको हमने इक्वेशन सेकेंड मान लिया इसको भी सेम तरीके से लिखेंगे यू एन प्लस एन एक्स यू एन प्लस टू एक्स प्लस यू एन प्लस पी एक्स ठीक है ये साइन हमारा शो करता है कि हम इसकी कंपेरिजन कर रहे हैं ठीक है तो यू एन प्लस वन एक्स इसको अलग मोड में कर लिया इसको अलग मोड में कर लिया इसको अलग मोड में कर लिया ठीक है सेम तरीके से हमने एम एन को भी अलग मोड में लिख लिया अलग अलग तरीके से लिख लिया ओके फॉर एवरी एन अगर मान लो एम कोई वैल्यू हमने मानी है उससे अगर बड़ा एन है फॉर एवरी एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स हैं यू एन एक्स कन्वर्सड यूनिफॉर्मली एंड एब्सोलिटी ऑन एक्स इतना आपको प्रूव करना है इसमें बाकी कुछ भी अदर नहीं है फिर आपका आता है क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर फोर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है शो दैट दिक्वेंस एफ एन इज वेयर एफ एन एक्स वाला एन एक्स अपन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क् डॉट कन्वर्सलीन आर इसमें क्या है आपको यूनिफॉर्मली ऑन होना रियल नंबर आपको प्रूव नहीं करना है ठीक है समझ गए देखो हमने एफ एक्स वाला लिमिट एन टू इनफिटी का निकाला एफ एन एक्स लिमिट एन पुट किया तो एन एक्स वाला जीरो में मिल गया जो कि हमारा मिल तो रहा है लेकिन अब यूनिफॉर्मली नहीं मिल रहा है लेट इफ़ पॉसिबल द सीक्वेंस कन्वर्स uniformly on ऑन आर देन फॉर ए गिविन वैल्यू इस पर एन की वैल्यू बढ़ी है एक्स वैलियंट ऑफ आर एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स बराबर एन एक्स अपन रूट वन प्लस एन स्क्वायर जो कि छोटा साइज है हमने अभी इसके ऊपर थ्योरम पढ़ी है अभी मैंने आपको बताया था अगर इस ऐसी कंडीशन कहीं मिलती है यहाँ पर एन की वैल्यू बढ़ी वैल हो एम से तब हम क्या करते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर होता इसकी है इसकी वैल्यू हम वन बाई थ्री मान लेते हैं एक्स और आप वन पॉन एन मान लेंगे तो एन वन टू थ्री ठीक है तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है एन की इसको हमने सिर्फ एक्स किया बन पुट एन पुट किया इससे कट गया तो बराबर वन बाई टू आए जो कि छोटा है बन बाई थ्री से इसको मान लेंगे बराबर ई के दस देयर इज नो सिंगल एम देयर इज नो सिंगल एम सच देट इक्वेशन फर्स्ट होल्ड सिमुलटेशन इज फॉर ऑल एक्स वेलीमेंट ऑफ आर हमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिली जो एक्स हमारा शो किसको करता है एलिमेंट ऑफ रियल नंबर को शो करता है तो क्वेश्चन होता तो करना क्या है दोबारा वी शुड हैव ऑन टेकिंग एन बराबर एम अगर हम एन बराबर एम ले लें एफ तो एन एक्स माइनस एफ एक्स हमारा क्या होगा छोटा होगा किससे बन बाई थ्री से फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ आर बट इफ वी टेक एक्स और वन पॉन एम अगर हम वन पॉन एम ले लें तो जब वन पॉन एम ले लेंगे तो वैल्यू आपकी कट जाएगी तो वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन इन दिस केस वन बाई टू आपका वन बाई थ्री से छोटा होगा एंड देयर फोर द स सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वेंट ऑन तो हमें इसमें करना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑफ आर तो गो वन बाई थ्री वन बाई टू हमारा कोई भी रियल नंबर शो नहीं कर रहा है तो इसमें हम कह सकते हैं देयर इज द सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर ठीक है देखो वीडियो को आपको लाइक और कमेंट जरूर करना है क्वेश्चन नंबर फाइव देखो प्रूव दैट सीक्वेंस यू एन डिफाइंड बाई यू एन बराबर रूट सेवन यू एन प्लस रूट सेवन प्लस यू एन कन्वर्स टू द पॉजिटिव रूट ऑफ देशन एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस सेवन बराबर जीरो इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं तो इसको लगा लो मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक है इसकी डिजिट चेंज हो सकती है इस टाइप का भर आएगा आपको एक क्वेश्चन देखो हम क्या करते हैं हम एक वैल्यू देखो हमें दे रखा है यू एन प्लस वनारस रूट सेवन प्लस यू एन तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो यू स्क्वायर एन प्लस वन वनारस सेवन प्लस यू एन मिल जाएगा और यहाँ से यू स्क्वायर एन निकालू मैं यू स्क्वायर एन तो मैं इसको ए के एन को इधर ले जाऊंगा तो सेवन प्लस यू एन माइनस वन हो जाएगा तो यहाँ से पता चलेगा कि यू स्क्वायर एन प्लस वन बराबर यू स्क्वायर एन कितना यू स्क्वायर एन प्लस वन बराबर यू स्क्वायर एन इसको हम लिख सकते हैं यू एन माइनस यू एन माइनस वन तो आप बोलोगे सर इसको कैसे लिख सकते हैं देखो यहाँ पर हमने क्या देखो यहाँ पर हमने ये वैल्यू निकाल दी है इसको मान लो ए इसको मान लो वी अगर मैं ए माइनस बी करूँ तो हो जाएगा यू स्क्वायर एन माइनस वन माइनस यू स्क्वायर एन तो सेवन सेवन कट जाएगा तो यू एन माइनस यू एन माइनस वन में मिल जाएगा ओके इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पढ़ाया था आपको तो यू एन प्लस वन प्लस यू एन यू एन प्लस वन माइनस का यू एन बराबर यू एन माइनस यू एन माइनस वन सिंस अगर यू एन की वैल्यू जीरो से बढ़ है तो एलिमेंट ऑफ एन सो यहाँ सब कह सकते हैं यू एन प्लस वन माइनस यू एन या जीरो से छोटा है ठीक है अभी हम हम सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी हम अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं ये हम कहेंगे कि यू एन माइनस यू एन माइनस वन जो है वो बड़ा है या छोटा है किससे जीरो से ये हमने सिर्फ कंडीशन को यहाँ पे माना है अपनी तरफ से क्वेश्चन बड़ा है तो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बाद में कहोगे सर आपने समझाया नहीं देखो अगर हम कंडीशन माने यू एन प्लस वन बढ़ाए यू एन से और यू एन हमारा इस कंडीशन से अकॉर्डिंग एज यू एन और यू एन माइनस वन तो हमने यू एन और यू एन मैनेजमेंट स्टार्टिंग निकाले तो समझ तो गए आप अगर यू एन बराबर रूट सेवन है ठीक है तो रूट सेवन के अंदर रूट सेवन बराबर यू टू बन जाएगा सर कैसे भाई यू एन बराबर तो यू एन यू एन बराबर उन्होंने रूट सेवन दे रखा है ठीक है अगर यू टू निकालूंगा तो देखो इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है यू एन यहाँ पर रूट सेवन प्लस यू एन तो यू टू निकालोगे तो कितना आ जाएगा अंदर वैल्यू पुट करोगे नहीं करोगे तो रूट सेवन प्लस अंदर रूट सेवन ठीक है तो यहाँ से हमें दिख गया कि यू टू की वैल्यू बड़ी है वन से तो यू थ्री की वैल्यू यू टू से बड़ी हो जाएगी यू फोर की वैल्यू यू थ्री से बड़ी हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि यू वन यू टू यू थ्री ये अगर इस कंडीशन हमारी बनती है तो यू कंडीशन शो यू एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो हमारी कंडीशन कहलाती है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इसलिए यू एन प्लस वन बड़ा होगा यू से फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ एन ठीक है तो यहाँ से यू स्क्वायर एन प्लस वन बड़ा हो जाएगा यू स्क्वायर एन से किसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग तो देखो सेवन प्लस यू एन प्लस यू स्क्वायर एन एलिमेंट ऑफ एन ये सर कहाँ से आए ये हर इक्वेशन से आए हमारे जो इक्वेशन दे रखी है हमने इसको इस वैल्यू से मान लिया सेवन प्लस यू एन बड़ा है ई स्क्वायर एन से तो ई स्क्वायर एन माइनस यू एन माइनस सेवन छोटा हो जाएगा जीरो से मतलब इसको हम इधर ले जाते हैं सर बोलो कि जीरो कहाँ से आ गया इस वैल्यू को हम इधर ले आओ तो इधर जीरो ही तो बचेगा तो एक हम दो रूट्स मान लेंगे यू एन माइनस अल्फा यू एन माइनस बीटा जो कि हम कह सकते हैं कि जीरो से छोटे हैं फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ एन इक्वेशन मान ली फर्स्ट वेयर एल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन इस इक्वेशन रूट्स हैं इसको समझाऊंगा भी कैसे निकलते हैं इसके रूट्स <coughs> इस पर पूरे विधान मत दो कोई भी इक्वेशन हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर ए वन एक्स ए टू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी कोई भी नंबर आ जाता है तो हमारी क्या होती है सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है ठीक है तो आपने पढ़ रखा होगा यहाँ से अगर हमें एल्फा प्लस बीटा निकालना है तो देखो ये ए जीरो ए वन ए टू होता है तो हो जाता है माइनस मतलब ए वन अपॉन ए जीरो मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर हमें अल्फा इंटू वीटा निकालना होता है यहाँ से तो ए टू अपॉन ए जीरो तो ए टू की वैल्यू ये ए जीरो की ये। तो आपने नाइन्थ में और टेंथ में ये पढ़ रखा होगा तो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एवन एक एक बराबर जीरो एल्फा बीटा रूट से हमारे तो यहाँ से ए जीरो की वैल्यू ये बनेगी बने आगे ए वन की माइनस वन ए टू की माइनस तो एल्फा इन में निकालना है तो कितना हो जाएगा ए टू वन ए टू की वैल्यू माइनस सेवन ए जीरो की वन तो माइनस सेवन ऑफ द रूट्स रूटा एंड बीटा विल बी नेगेटिव लेट एल्फा की वैल्यू छोटी है जीरो से अगर नेगेटिव लेना है तो अल्फ़ा की वैल्यू जीरो छोटी माननी पड़ेगी तो यू एन माइनस अल्फा बड़ा हो जाएगा जीरो से सिंस फॉर और वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम फर्स्ट से देखो फर्स्ट हमने क्या मानी है ये देखो यू एन माइनस अल्फा यू एन माइनस बीटा जो कि जीरो छोटे माने हैं तो यहाँ भी हमें क्या हो जाएगा अगर हम एक कंडीशन को निकाल लें तो जीरो से बड़ा मानेंगे दोनों कंडीशन को ले रहे थे तो जीरो छोटा तो एक कंडीशन यू एन माइनस अल्फा जीरो से बड़ी तो यहाँ पे देखो यू एन माइनस बीटा जीरो से छोटा और यू एन फिर क्या हो जाएगा बीटा से बड़ा फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ एन दिस शोज दैट यू एन इज बाउंडेड एव ऑल्सो यू एन इज़ मोनोटोलिकली इंक्रीजिंग यू एन इज़ कन्वर्जेंट तो एक पार्ट को यहाँ पर प्रूव कर लिया यहाँ पे हमने दो पार्ट को प्रूव करना होता है कि यू एन आपका कन्वर्जेंट है और यू एन आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है लिमिट एन टेंस टू इन्फिटी हम सेकेंड पार्ट को देखेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिटी यू एन बराबर एल हमने मान लिया तो ई स्क्वायर एन प्लस वन बराबर सी प्लस यू एन सर ये कहाँ से आया ये आपका वहीं से आया जो हमने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिखी थी ई स्क्वायर एन प्लस वन बराबर सी प्लस यू एन लिमिट लगाओगे इसमें सीवन प्लस यू एन में तो आपका ओनली कितना आएगा सेवन आएगा ओनली सेवन आएगा लिमिट एन टेंस टू यू एन में तो से हम एल स्क्वायर बराबर कितना मान सकते हैं सेवन प्लस एल यू एन बराबर एल है तो एल स्क्वायर बराबर से एन प्लस एल तो एल स्क्वायर माइनस एल माइनस सी बराबर जीरो यहाँ हमने इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा एल माइनस अल्फ़ा एन माइनस बीटा बराबर जीरो जो कि रूट्स होते हैं एक क्वेश्चन के सिंस ईच टर्म ऑफ यू एन इज़ पॉजिटिव एंड अल्फ़ा बड़ा है अल्फ़ा छोटा है जीरो से सो एल्फ़ा डब्नोट इक्वल टू अल एल डब्नोट इक्वल टू अल्फ़ा क्योंकि बराबर आता जीरो को तो बराबर अल्फ़ा बनता जीरो छोटा आ रहा है तो अल्फा बराबर नहीं है हैंस एलवरा बराबर बीटा अर्थात यू एन कन्वर्स टू द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाला जीरो तो हमें ये रूट्स को क्या करना है पॉजिटिव प्रूव करना था तो देखो यहाँ पे हमने पॉजिटिव यहाँ पे प्रूव कर दिए एल डज नॉट इक्वल टू अल्फ़ा या एल वाला और बीटा ओके okay? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक like अभी कर देना कमेंट में अभी जाके करो कि सर पार्ट सेकंड चाहिए नहीं चाहिए क्योंकि इतने सिक्वेंस चैप्टर से आपको ओनली इतने ही क्वेश्चन पढ़ने हैं कितने क्वेश्चन ओनली फाइव क्वेश्चन ठीक है ओनली फाइव क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार करने हैं ओनली फाइव क्वेश्चन ठीक है ये भी आपको लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे फाइव क्वेश्चन ओनली आपको यहाँ से तैयार करने हैं ओके थैंक